हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप सभी के साथ बहुत ही अमेजिंग एंड सिंपल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और वो है क्रीमी एग कड़ी। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही फटाफट से बन जाती है, और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है। बहुत ही टेस्टी लगता है और सभी को पसंद आता है। आई होप आपको भी पसंद। बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट से मैं बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो सबसे पहले हमें पैन में डाल देना है मस्टर्ड ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी अंडे को। हाफ हाफ कट कर लिया है मैंने, बॉयल करके मैं रख दी थी। हाफ हाफ कट करके ही बनाएं, बहुत ही अमेजिंग इससे टेस्ट आता है। आप बनाओगे तो आप खुद भी एक्सपीरियंस करोगे। तो अंडे में मैं डालूंगी ज़रा सा नमक और लाल मिर्ची, ताकि इसका सुनहरा सा कलर आ जाए। और अंडे को हमें फ्राई करना होगा जब तक ये अच्छे से हमारे सुनहरे कलर के थोड़ा सा रेडिश नहीं हो जाते। थोड़ा सा उनमें लेयर का जो कलर होता है ऊपर का, वो चेंज हो जाना चाहिए। तब तक हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और वैसे भी जब आप फुल अंडे बनाओ ना, तो उसे कट करके ही डालना, नहीं तो वो थोड़ा सा उड़ने लगते हैं, बर्स्ट होते हैं। तो अंडे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हमें इसे निकाल देना होगा। और मैं एक स्पेशल टाइप का आपको एक करी बनाकर बता रही हूँ, जिसमें मैंने डाला है आपको ये बॉयल्ड पोटेटोज है, इसे मैंने स्लाइस करके यूज़ किया है। बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है जब आप अंडे और आलू को मिक्स करके बनाते हो तो, और फ्राई करके बनाओगे तो इसका टेस्ट जो है डबल आता है। तो आलू को भी अच्छे से हमें फ्राई कर लेना होगा, और आलू तो ऑलरेडी ऐसे कुक्ड है, बट इसका टेस्ट जो है इसका और उबरने के लिए मैं इसे अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। तो गाइस, आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसे भी निकाल देते हैं। इसमें मैं यूज़ करूँगी बहुत सारी क्रीम्स जो कि बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करना है हमें, ज़रा सा ही मैंने तेल और एक्स्ट्रा डाला है, क्योंकि मैं जो क्रीम ऐड करने वाली हूँ उससे ये अच्छे से और पकेगा। ज़ीरा भी मैंने डाल दिया है, इसे तड़कने देंगे। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें कटे हुए प्याज। दो मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज मैंने लिए हैं। उससे पहले मैंने डाला है इसमें एक आपको दालचीनी स्टिक है और एक छोटी इलायची है। ज़्यादा नहीं गरम मसाले डालने हैं, पाउडर गरम मसाले मैं यूज़ करने वाली हूँ। प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो ये मैंने डाला है। आपको टमाटर का पेस्ट, दो मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने पीस लिया है और इसे डाल दिया है। इसमें मैंने एक प्याज भी डाला है, हरी मिर्चें भी कट करके डाल दी है, बहुत ही बारीक कट किया है। नमक भी ऐड कर दिया है, हल्दी पाउडर डाल देना है, काली मिर्च पाउडर डालना है, लाल मिर्च पाउडर डालना है एंड गरम मसाले पाउडर डालने हैं। जो भी गरम मसाले आप घर पे बनाते हो या मार्केट से मंगवाते हो वो डाल देना है, और सारे पाउडर मसाले जो होते हैं हमारे घर में अवेलेबल होते हैं वो डाल देना है। और मसाले को हमें अच्छे से भून लेना होगा जब तक मसाले जो है तेल रिलीज ना कर दें, और मसाले जो है आपको कुक होकर रिड्यूस हो जाएंगे एंड उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट एक बड़े चम्मच, और एक बड़े चम्मच ये हरी मिर्च का पेस्ट। तो सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं गाइस, अब इसे बहुत ही अच्छे से हमें परफेक्टली कुक करना होगा, क्योंकि हमारे अंडे और आलू दोनों अच्छे से कुक्ड हैं। बस इन्हें मसालों में अच्छे से हमें भूनकर उसमें पानी लगाना है। तो मसाले अच्छे से भूनने, जब तक मसाले जो है अच्छे से भूनते नहीं हैं वो तेल रिलीज नहीं करते हैं। तो गाइज़ ये देखिए, मसाले जो है रेड्यूस हो चुके हैं ऑलमोस्ट, एंड कलर भी इनका चेंज हो चुका है। तो उसमें मैं डाल रही हूँ जो हमारे घर में दूध आता है, और जब आप उबालते हो उसे मलाई निकालते हो, तो मैंने इसमें डाला है चार मीडियम साइज़ के चम्मच से आपको मलाई। ये मलाई आप मार्केट वाला भी डाल सकते हो, बट जो घर वाला आप मलाई आप यूज़ करते हैं उसमें एक अलग ही आपको रिचनेस होता है, तो मैं घर का ही यूज़ करती हूँ। तो चार चम्मच मैंने डाल दिया है, अभी से अच्छे से हमें कुक करना होगा मसालों के साथ, जब तक ये अच्छा सा रिलीज़ ना कर दे अपना घी। तो देखिए अच्छे से ये घी रिलीज़ हो चुका है, अब इसमें डालना है ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालें, क्योंकि जो ग्रेवी थिक होती है ना वो ज़्यादा मज़ेदार लगती है एक करी में, एंड आपको पतली वाली ग्रेवी बिल्कुल नहीं पसंद है। आप अंडे की रेसिपी को आप पराठे के साथ, चपाती के साथ एंड राइस के साथ भी खा सकते हो। तो एक उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ क्रश करके कसूरी मेथी। अब जो भी मैंने फ्राई किए थे आलू एंड आपको अंडे, इसे डाल देना है। गाइस बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, और बहुत ही फटाफट से कुक हो जाती है, और जो आप बनाओगे ना तो क्रीम डाल के इसका रिचनेस आप खुद भी एक्सपीरियंस करोगे, बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही टेस्टी। तो अंडे और आलू मैंने डाल दिए हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड इसे मैं ढक दूँ।
तीन मिनट के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अंडा करी जो मैंने बनाया है वो भी क्रीमी वाले कितना अमेजिंग लगते हैं। इसमें मैं डाल दी हूँ आपको पुदीने की पत्तियाँ। आप पुदीने की पत्तियों को डाल के एक बार बनाओ एक करी, बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो गाइज ये देखिए 3 मिनट के बाद कितना मज़ेदार और एकदम क्रीमी हमारा एक करी बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही रिचनेस से भरा है, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसे लगे। रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।